काइजू नंबर 8 चैप्टर 39। तो चैप्टर की शुरुआत होती है मीना अशिरो के मैसेज से जो कि हमारे किकुरो के पास आया है, जिसमें ये साफ साफ लिखा है काफ्का का जो एग्जीक्यूशन था उसे रोक दिया गया है और अब वो सुरक्षित है। ये मैसेज पढ़कर किकुरो काफ़ी खुश होती है, लेकिन फिर किकुरो सोचती है कि मुझे और ताकतवर होना होगा ताकि एपिसोड 12 के एंड में तुमने जो देखा वो ना हो, ताकि समय आने पर जब काइजू नंबर 8 इंसानियत के लिए खतरा बन जाए तो हमारी किकुरो उसे ठिकाने लगा सके। तभी किकुरो के पास एक गंजा आदमी आता है जो कि किकुरो को कहता है कि देरी के लिए माफ़ करना ऑफिसर शिनोमिया, और हमें पता चलता है कि टकला असल में फर्स्ट डिवीजन स्क्वाड का वाइस कैप्टन है और इसका नाम एजी हसेगावा है। तो हसेगावा सान किकुरो को कहते हैं कि मैं तुम्हें कैप्टन तक ले जाता हूँ, और फिर ये दोनों जेन नार्मी से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हसेगावा किकुरो को बताता है कि तुम्हें थर्ड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन में सिर्फ तब तक के लिए लाया गया है जब तक कि ताचिकावा बेस रिपेयर ना हो जाए, सिर्फ तब तक के लिए ही तुम फर्स्ट डिवीजन में रहोगी। तो इस पर किकुरो कहती है कि हाँ मुझे पता है सर। किकुरो अंदर सोच रही होती है कि यह मेरे पास परफेक्ट मौका है कि आखिर डिफेंस फोर्स की फर्स्ट डिवीजन कितनी स्ट्रांग है और क्यों इसे सबसे स्ट्रांग डिवीजन कहा जाता है। वो यहाँ पर उनकी ताकत का राज सीखेगी और खुद भी ताकतवर बनेगी। तभी ये लोग अपनी मंजिल पर पहुँच जाते हैं, यानी कि फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन के रूम के बाहर। हसेगावा दरवाज़ा ठकठकाता है और कहता है हम अंदर आ रहे हैं। दूसरी तरफ किकुरो अंदर सोच रही होती है कि मैं डिफेंस फोर्स के सबसे स्ट्रांग कैप्टन से मिलने वाली हूँ और मैं उससे जो हो सके सीखूंगी। तभी हसेगावा इंट्रोड्यूस करता है कि यह है फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन जेन नारुमी, और हम ये क्या देखते हैं, जेन नारुमी तो भाई एक बड़ा वाला नर्ड है, एक बड़ा वाला गेमर है। वो तो भाई अपने रूम में खुद को बंद करके गेम खेल रहा है। तभी हसेगावा किकुरो को अपने साथ रूम के बाहर लाता है और कहता है कि एक मिनट बाहर रुको, और फिर वो अंदर जाता है। दूसरी तरफ हमारे फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन जेन नारुमी अपने गेम के अंदर प्लेटिनम रैंक में पहुंचने के लिए तड़प रहे हैं, उन्हें बस 5 किल और करने हैं, और तभी वो 5 किल कर देते हैं और पहुंच जाते हैं प्लेटिनम रैंक पे। तभी हसेगावा पीछे से भाई जेन नारुमी को खींच के लात देते हैं जिससे कि वो टीवी में घुस जाता है। हसेगावा नारुमी से कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं 2 बजे ऑफिस में आऊँगा और पूरा ऑफिस साफ रखना। तो इस पर नारुमी बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है हाँ मैंने बिल्कुल ये सुना था, लेकिन तुम्हारी बात मानकर उस पर अमल करना या ना करना ये मेरी चॉइस है। तभी हसेगावा नारुमी को एक और किक मारता है जिससे नारुमी अपने गोंडोम के पास, हाँ हाँ यही नाम है यार उस खिलौने का, उसके ऊपर गिरता है और वो टूट जाता है। इस पर गुस्सा होकर नारुमी हसेगावा को कहता है देखो ये मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ जो चाहे करूँ, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तभी हसेगावा कहता है कि यह ऑफिस डिफेंस फोर्स का है जिसका तुम यूज़ कर रहे हो, तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। इस पर नारुमी कहता है कि पूरे स्क्वाड में तुम्हारे अलावा इन चीज़ों से किसी को दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम खुद साफ क्यों नहीं कर देते। इस पर हसेगावा कहता है ठीक है मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, और फिर वो अपने स्क्वाड के मेंबर्स को बुलाता है और कहता है कि ये रूम पूरी तरीके से साफ कर दो। इससे नारुमी को समझ में आता है कि हो सकता है कि ये लोग उसकी कुछ कीमती चीज़ें भी फेंक दें। तो नारुमी कहता है कि मैं खुद ही साफ़ कर लूँगा, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ये साफ़ करूँगा। इसके बाद हसेगावा नारुमी को ऐसे हाथ में पकड़ कर किकुरो के पास ले जाते हैं और बताते हैं कि यह है हमारे फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन जेन नारुमी। हसेगावा किकुरो को कहता है तुम तो इम्प्रेस ही हो गई होगी। किकुरो अंदर सोच रही होती है कि मेरे अंदर से इस बंदे के लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी ये मेरे से सुपीरियर ऑफिसर है तो इज्जत तो करनी ही होगी। नारुमी किकुरो को देखकर कहता है कि तुम मिस्टर इसाओ की डॉटर हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। इस पर किकुरो सैल्यूट देते हुए कहती है जी सर मैं थर्ड डिवीजन से शिनोमिया किकुरो हूँ और मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। ये देखकर नारुमी कहता है कि फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। और जैसे ही किकुरो पूछने वाली होती है कि वो एक चीज़ क्या है, तभी काइजो अलर्ट की रिंग बजती है और नारुमी कहता है परफेक्ट। फिर नारुमी किकुरो को कहता है कि तुम देखो और ऑब्जर्व करो कि हम आज क्या करते हैं, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। तभी फर्स्ट डिवीजन टोक्यो की नदी पार कर रहे एक बड़े से काइजू को डिसार्म करने के लिए, उसे मारने के लिए चले जाते हैं। किकुरो भी साथ में जाती है और हम देखते हैं कि फर्स्ट डिवीजन काइजू को खत्म कर रही है। तभी नारुमी किकुरो से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए। और तभी नारुमी अपने वेपन के साथ प्लेन से छलांग लगाता है और तुम उसका वेपन देख सकते हो, कितना बैडास दिख रहा है और कितना धासू, ये गन यार एकदम गजब की लग रही है। जेन नारुमी उस काइजू के ऊपर फायर करता है और उसे खत्म कर देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। और नारुमी आगे कहता है कि मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है ओवरवेलमिंग स्किल, सिर्फ तुम्हारी स्किल ही मेरे काम आएगी, मुझे तुमसे और किसी चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है भाई फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन जिन्हें ना इज्जत से मतलब है, ना पैसे से, ना किसी और चीज़ से, उन्हें बस चाहिए तो स्किल्स वाले बंदे जो कि स्ट्रांग हो। तो इसी के साथ फर्स्ट डिवीजन काइजू को ख़त्म कर देती है और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। हालांकि चैप्टर के एंड में एक छोटा सीन देखने को मिलता है जिसमें नारुमी वापस अपने रूम में आता है और वो देखता है कि भाई हसेगावा ने उसका पूरा रूम खाली करवा दिया एकदम साफ सुथरा।
और ये देखकर नारुमी बड़े गुस्से में है क्योंकि उसका गेमिंग कंट्रोल भाई जा चुका है। तो खैर चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। तो भाई लोग तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना यार, और अगर तुम अगले चैप्टर का रिव्यू जल्दी चाहते हो तो इस वीडियो पे 30 लाइक्स कंप्लीट कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल पर कोई कहीं से भी न्यू आ गया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी अब हम मिलते हैं नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।